विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित माई नैप कंपटीशन वर्गानुसार प्रतियोगिता लाइनें 11 सितंबर से 24 सितंबर तक खुली हैं और प्रतियोगिता 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होनी तय है। वर्ग एक कक्षा 9 से 12 तक के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए पांचों प्रतियोगिताएं हैं और पांचों प्रतियोगिताओं में कक्षा 6 से 12 9 से 12 तक के बच्चों को भाग लेना है। 2 मिनट का भाषण उसके लिए तैयार करना है। हस्तनिर्मित पोस्टर प्रतियोगिता है। प्रधानमंत्री के नाम पत्र है। 300 शब्द का निबंध है। मीम बनाओ प्रतियोगिता है। 5 चीज़ों में शिशु को भाग लेना है। वर्ग 2 और 3 की प्रतियोगिता के विषय एक ही हैं। वर्ग 2 में है स्नातक एवं परास्नातक के छात्र तथा शेष नागरिक वर्ग सभी के लिए है। उसमें अभिभावक भी सम्मिलित हैं। लघु चलचित्र अधिकतम समय सीमा 2.20 मिनट। डिजिटल पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता। चित्रकारी हस्तनिर्मित पोस्टर प्रतियोगिता। ट्विटर थ्रेड न्यूनतम 8 ट्वीट। मीम बनाओ प्रतियोगिता। पुनः पंजीकरण 11 से 24 सितंबर तक। विद्या भारती माई ऐप नैप कॉम्पिटिशन के लिए ये विषय दिए गए हैं 4 भारत केंद्रित शिक्षा, नंबर 2 समग्र शिक्षा, नंबर 3 ज्ञान आधारित शिक्षा, नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसके लिए भारत की 13 भाषाओं को चयन किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, पंजाबी, उड़िया, बंगाली और अंत में संस्कृत। पुनः पंजीकरण की तिथि 11 से 14 सितंबर 2020 तक। विद्या भारती माई नैप कॉम्पिटिशन परिणाम एवं पुरस्कार किस प्रकार से होंगे ये यहाँ पर वर्णन दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा 10 विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार 5,000 का, तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपये का क्रमशः, विशेष पुरस्कार 1,000 रुपये का जो 10 हैं। भाषा अनुसार हर प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार, हर वर्ग के लिए पुरस्कार, सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इसके लिए पुनः एक बार स्मरण दिला रहा हूँ, पंजीकरण 11 से 24 सितंबर 20 तक। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है के सूल। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक की छात्र को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा कक्षा 5 तक। ध्यान रहे कक्षा 5 तक। बिंदु नंबर 2 है नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर के शिक्षा के लिए मातृभाषा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। विज्ञान के साथ आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ही देने पर जोर दिया गया है। मैकाले का सपना हुआ चूर, नई शिक्षा नीति पर हमें अब है गुरूर। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक्सपोजर, देश के हर छात्र को 6 से 8 ग्रेड में कुछ समय के लिए भारत की भाषा पर एक कोर्स करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जो उसे लागू करने की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र को एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में निरंतर रूप से बदलने में योगदान देगा। नई शिक्षा नीति में वे सभी बिंदु शामिल किए गए जो RSS एवं विद्या भारती चाहती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा, अर्थात इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा समझना होगा। 5 साल नर्सरी, LKG, UKG प्रथम और द्वितीय, 3 साल तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अगले 3 साल षष्ठ, सप्तम, अष्टम, अगले 4 साल नवम, दसम, एकादश और द्वादश फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधि एवं व्यायाम आदि में भी भाग ले सकें। कला और विज्ञान का कोई अलगाव नहीं होगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों में कला, मानविकी, विज्ञान, खेल एवं व्यावसायिक विषयों में अध्ययन करने के लिए लचीलेपन और विषयों को पसंद को बढ़ावा देना है, अर्थात फिजिक्स पढ़ने वाला इतिहास भी पढ़ सकता है।
वह किसी कॉमर्स का विषय को भी ले सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र को एक न्याय संगत और जीवंत समाज में निरंतर रूप में बदलने में योगदान देगी। नई शिक्षा नीति को ऐसा तैयार किया गया है जिससे वह मैकाले की परिधि से बाहर आ सके और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कॉलेज की डिग्री 3 साल और 4 साल की होगी। ग्रेजुएशन के पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा और तीसरे साल डिग्री मिलेगी। विद्या भारती का यह महाअभियान प्रतियोगिता के साथ साथ नया ज्ञान बालक के हाथ में अब डिग्री नहीं हुनर भी होगा, इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ रही है। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स को बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। नई शिक्षा नीति बालकों में राष्ट्र के भावों को जागृत करेगी। नई शिक्षा नीति मात्र एक नीति नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की रीति है। नई शिक्षा नीति में वे सभी बिंदु शामिल किए गए हैं जो RSS एवं विद्या भारती अर्थात सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षक का सम्मान सबसे बड़ा पहलू है। शिक्षा नीति के इस पर विशेष ध्यान दिया है। अंत में मैं आपसे यह आग्रह करते हुए कि विद्यालय के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खैरना गर्म पानी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक भी करने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।